प्रभु की बड़ी असीम कृपा है ऐसे भक्तों पर कि उनके परिवार में संस्कार है। बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बहुएं बेटियों की तरह रह करके घर को संभाल रही हैं। हर एक परिस्थिति में अपने पतियों का, अपने परिवार का साथ दे रही हैं। और यही चीजें जब देखते हैं आगे की पीढ़ी, तो वो अपने बच्चों को देंगे, तभी भारतीय संस्कृति महाराज रह सकती। नहीं तो आजकल जो मॉडल कल्चर है, पाश्चात्य जीवन में जगत को अपनाया जा रहा है, इतने नास्तिक होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बहुत तुच्छ समझा जाता है। आजकल तो लोगों को पैर छूने में बड़ा कष्ट होता है। उनकी कमी नहीं है, माता पिता ने कभी ना तो कभी छुए अपने बड़ों के, ना अपने बड़ों का को प्रणाम किया, और बच्चों को कहते हैं जाके प्रणाम करो, तो उनमें आदत कहाँ से आएगी, वो संस्कार कहाँ से आएंगे। हमारे यहाँ चरणों को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है, और आपको पता है चरणों के मध्य ही सात्विक शक्ति विराजमान रहती है। जब आप किसी संत महात्मा या बड़े बुजुर्ग के चरणों में सिर झुकाते हो, चरणों में, घुटनों में नहीं, कहाँ पर, चरणों में सिर झुकाते हो, तो उसका जो दिव्य तेज है, सत्व शक्ति है, वह उस आपके मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर जब जाती है, तो उससे आपको जीवन में औज प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, सद प्रेरणा प्राप्त होती है। लेकिन आजकल तो महाराज बस प्रणाम रह ही गया बस। अगर कोई कहे ना कि प्रणाम करो, तो वैसे तो बच्चे टाटा बाय बाय कर देंगे, बाय बाय बाबा जी, बाय बाबा जी, बाय टाटा। पर जैसे ही कहो ना पैर छू लो, तो पिताजी मुंडी को घुमा के नीचे कर देते, पर बालक का रोना चालू कर देगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बड़ों को छोड़ो, बड़ों को प्रणाम करने के लिए कहते हैं, अब इतने लोग कह रहे तो करना पड़ेगा, तो बस घुटनों तक छू देते हैं। माने ये कह रहे हो, घुटनों का जो दर्द होता है ना महाराज, आजकल वृद्धावस्था में कब घुटनों के दर्द, घुटने ही खराब होते हैं, तो बस ये ही कहते हैं कि बस घुटनों तक दर्द बना रहे, घुटनों तक दर्द बना रहे, घुटनों तक ही स्पर्श, मुझे लगता है आने वाले कमर तक ही रह जाएंगे। ये अपनी संस्कृति तो नहीं है। पहले लोगों को प्रणाम करने में बड़ी लज्जा आती थी, और ऐसा घुमाने में बिल्कुल लज्जा नहीं है जो आजकल कॉन्वेंट स्कूल में सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, बदल रहे हैं बच्चों के भावों को। और हम, क्योंकि हमें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, अंग्रेज जो बनाना है, तो क्या दे रहे हैं बच्चों को ये तक ध्यान नहीं है। ये करने में बच्चों को तकलीफ नहीं आती, शान से करते हैं, पर ऐसे करने में तकलीफ आ रही है। चलो अच्छा है, भलो मनो थोड़ो बुरो ही सही, पर कोविड आया तो कम से कम नमस्कार को मतलब समझ गए, समझे कि नहीं समझे। हाय हेलो बंद हो गई, विदेशी भी फिर नमस्कार करने लगे, भैया भारतीय संस्कृति सबसे सुरक्षित है, दूर दूर रहो, नमस्कार ये आदर का भाव।